Now students, we are going to discuss fifth part of question number 5 of exercise 8.4. देखिए, fifth part में हमें proof क्या करना है? We have to prove that cos minus sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1 equals to cosecant a plus cot a की form में हमें इसे proof करना है. तो जो बच्चे हम बात करते हैं, पहली बात देखिए बच्चे, left hand side जो first step हमें follow करना है बच्चे, simple सी बात, वो क्या करना है? पहले हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को साइन ए से डिवाइड करो. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ऑफ एंगल ए, वी गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चे? देखो आपने बच्चे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा लिख दिया. ठीक है, देखो आपने क्या करा बच्चे, इसको साइन ए से हमने डिवाइड किया तो हमें मिला फर्स्ट ऑफ न्यूमरेटर पार्ट में cos अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड में साइन ए प्लस में वन अपॉन में साइन ए, कोई दिक्कत नहीं आता. वैसे ही डिनोमिनेटर पार्ट में करेंगे cos ए डिवाइड में साइन ऑफ एंगल ए प्लस में साइन ए डिवाइड में साइन ऑफ एंगल ए साइन ए. ठीक है, माइनस वन अपॉन में साइन ए का साइन ए क्लियर हो गया. अब जो आपको पता है cos a अपॉन में sin a बेसिकली होता क्या है? cot a, क्या होता है? cot ऑफ एंगल a होता है. ठीक है, माइनस sin a को sin a से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और 1 अपॉन में sin a क्या होता है आपका? cosecant a होता है. क्या होता है? cosecant a होता है. सिमिलरली नीचे वाले पार्ट में भी हो जाएगा cot a, ये हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस cosecant ऑफ एंगल a. क्लियर होगी कौन से आते बच्चे? बात समझ में आ गई. अब इसको बच्चे हम रीअरेंज कर सकते हैं सेम को कैसे? cot ऑफ एंगल ए प्लस में cosecant ऑफ एंगल ए माइनस 1 डिवाइड में cot ऑफ एंगल माइनस cosecant ऑफ एंगल ए प्लस 1 कर सकते हैं बच्चे इसको रीअरेंज ऐसे, है ना? कुछ नहीं करा बच्चे इसको, ऐसे भी कोई याद नहीं, बात एक ही है. अच्छा अब बात सुनो बच्चे आगे, अब हम क्या करेंगे? यहां तक क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट? पक्का? अभी तक हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ साइन से न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट को डिवाइड कर दिया. क्लियर हो गया. अब हम क्या करेंगे बच्चे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cot a प्लस में cosecant a से हम मल्टीप्लाई करेंगे. क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे बच्चे मल्टीप्लाई करें? cot ऑफ एंगल ए प्लस cosecant ए से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट को. बच्चे इसको ऐसे कर सकते हैं cot a प्लस में cosecant या cosecant a प्लस में cot a, बात तो वही है. ठीक है, अब देखो हमने क्या करा, ये जो हमारा पार्ट था बच्चे क्या था? cot a प्लस में cosecant ऑफ एंगल ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a माइनस cosecant ऑफ एंगल ए प्लस 1. ठीक है, अब इसके न्यूमरेटर पार्ट को हम क्या करेंगे? cot a प्लस cosecant a से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर पार्ट को भी सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. कोई दिक्कत नहीं होता, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट? देखिए बच्चे, अब जो ऊपर वाले पार्ट को हम एज इट इज सीखेंगे क्योंकि हमें जो फाइनल आंसर चाहिए क्या चाहिए? cosecant a प्लस में cot a चाहिए, तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही हम उतार देंगे. a माइनस 1 मल्टीप्लाई में cot a प्लस में cosecant a. ठीक है, डिवाइड में, अब सुनो बात बच्चे, अब ये वाला जो पार्ट अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई होगा. देखो यहां पर क्या ये दे रखा है, cos cot a माइनस में cosecant a दे रखा है आपको यहां, और यहां पर देखा cot a प्लस में cosecant a, तो यहां पर एक आइडेंटिटी लिखी कौन सी वाली? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली. तो क्या करेंगे हम यहां पर लिखेंगे इसको cot स्क्वायर a माइनस cosecant स्क्वायर a होगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा? cot a प्लस में cosecant a. क्लियर होगी कौन सा बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब बच्चे न्यूमरेटर पार्ट को हम एज इज ऐसे लिख देंगे. क्या लिखेंगे? cot a प्लस में cosecant ऑफ एंगल a माइनस 1 मल्टीप्लाई विद cot a प्लस में cosecant a. अब सुनो बात,
डिनोमिनेटर पार्ट में। देखो बच्चे कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए हमें यहां दिया गया, ठीक है। अब सुनो, देखो बच्चे आपने पढ़ा है एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन सी वाली, क्या पढ़ी थी, कि जो हमारा क्या होता है बच्चे कोसेकेंट स्क्वायर ए होता है वो बेसिकली होता है वन प्लस में कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है। आपने पढ़ा था बच्चे कोसेकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है वन प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है, होता है कि नहीं होता, क्लियर है। तो यहां से बच्चे हम ऐसे कर सकते हैं, उसको देखो ऐसे कैसे कैसे माइनस वन इक्वल्स टू कोट स्क्वायर ए माइनस में कोसेकेंट स्क्वायर ए लिख सकते हैं उसको ऐसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, नहीं समझ में बात है। देखो बच्चे कोसेकेंट स्क्वायर ए जो तो पता है आपको आइडेंटिटी होती है वन प्लस में कोट स्क्वायर ए, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने लिखा कोट स्क्वायर ए माइनस में कोसेकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चे, देखो ये जो कोसेकेंट स्क्वायर ए वाला जो पार्ट है इसको उठा करके हम अगर राइट हैंड साइड पर रखें तो नेगेटिव हो जाएगा और जो वन हमारे यहाँ पर पॉजिटिव में बुक के इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, यानी कि कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू जो है माइनस वन हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये बेसिकली ये देखा है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या माइनस वन प्लस में कोट ए प्लस में कोसेकेंट स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही, समझ में आई नहीं आई। देखो हमने क्या करा, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए को हमने जब आइडेंटिटी का यूज करके हमने देखा तो वो बेसिकली किसके इक्वल है, माइनस वन के इक्वल है, और माइनस वन हमने पुट करा यहां पर तो हमने क्या नोटिस किया बच्चे, देखो एक बात सुनो, ये जो हमारा पार्ट दे रहा है कोट ए प्लस में कोसेकेंट ए माइनस वन, क्लियर है। यहां पर देखो कोट ए प्लस में कोसेकेंट स्क्वायर माइनस वन, क्या दोनों सेम नहीं है, है ना। तो ये जो पार्ट होगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर कोट ए प्लस में कोसेकेंट ऑफ एंगल ए दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये हमारा हैंड्स कोट। बात समझ में आ गई बच्चे, ठीक है, ओके। ये पार्ट आपको लिखना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है बच्चे, हालांकि माइनस वन बेसिकली आया कहां से, क्लियर। बात समझ में आ गई, ओके स्टूडेंट्स, इतना नोट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में सिक्स पार्ट हम डिस्कस करेंगे।